गरीब की बेटी की तो कोई सुनता ही नहीं। हाँ, एक बंगालन है जो काम छोड़कर बीच में ही बाजार जा रही है। देर भी आजकल ऑफिस लेट ही जा रहा है। बंगालन जी जी को तो बताती जाओ कि तुम कहाँ जा रही हो। चलो। हाँ, कुछ ऐसा वैसा मामला है तभी बता नहीं पा रही हो, ये वो कर रही हो। वैसे भी मैं तो पहले ही समझ गई थी जो तुम्हारे फोन की घंटी बजी थी। बड़ी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। राधा रानी ना उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती है। हाँ भाभी, क्यों आप उसे तंग कर रही हैं? अगर कोई होता तो बता देती ना। वो कोई है दी, आपका न्यू बॉयफ्रेंड? आपने रहने दो, आपने लास्ट टाइम में मुझे ऐसे लो बनाया था, अब मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। ठीक है ना, मैं भी साथ में चलती हूँ। चल निकी, क्यों तंग कर रही हो तुम लोग सब? जब कोई होगा तब वो खुद बता दे। आ जाए इधर, आ जाओ। कट नहीं नहीं ये इसका फोन बज रहा था ना काफी, इसको जो सारे गरीब बेटी को कोई सुनता ही नहीं। पता नहीं आजकल बच्चों को क्या हो गया, क्योंकि बंगाल में काम छोड़ के घर जाती है, इधर जाती है, देख ऑफिस भी लेट जाती है। अरे बंगाल कम से कम जीतनी ये तो बता के ना, कहाँ जा रही है? कुछ ऐसा ऐसा मामला लगता है, तभी बताए बिना जा रही है। मैं तो तभी समझ गई थी जब तेरा फोन बज रहा था, मुस्कुरा रही। राधा रानी उठी चिड़िया के पर नहीं लेती है। भाभी क्यों बेचारे के पीछे पड़ी रहती हो आप? अगर कोई होता तो वो बता देती ना। अगर कोई है तो बुला क्या? हाँ भाभी, क्यों बेचारे के पीछे पड़ी रहती है आप? और अगर कोई है तो क्या बुरा? कोई है कौन है सोना जी? न्यू बॉयफ्रेंड? मेरी ऐसा कुछ नहीं है सोना जी। आपने मुझे पहले ही उल्लू बनाया, अब आपकी बात नहीं मानूंगा मैं। भी आपके साथ होगा तो बता देगी वो। चल आ जाए यहाँ। सोना है जो मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ, और वो कहीं जा रही है। मैं हमेशा कोशिश करती रहती हूँ देखने की कि क्या चल रहा है इसका, क्या चल रहा है, क्या चक्कर है। और हमेशा आज की अभी मुझे सस्पिशियस हो गया थोड़ा सा कि कहीं देव का और इसका कुछ है तो नहीं, बट पक्का नहीं है, श्योर नहीं है, बट वैसे ही कयास लगाती रहती है, गैस करती रहती है। तो उसी के पीछे पड़ी है, सोच रही है कि हो देख, मतलब पहले हो तो मुझे ही पता लगे, लेकिन अभी ऐसा कुछ है नहीं, तो यही है। मुझे तो जब भी मौका मिलता है कि सोना के पीछे पड़ने का, तो मैं कोई मौका छोड़ती नहीं हूँ। तो इस घर में आपको सबसे ज़्यादा पसंद कौन है और ना पसंद कौन है? उसे पसंद सिर्फ उसे अपना बेटा है और खुद अपने आप को पसंद करती है, और सबको ठीक ठीक रखती है। बट जैसे मौका परस्त लोग जो होते हैं कुछ इस तरह की है, सामने से जी 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 देव 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 केयर करती है, पर उतनी नहीं, उस तरह से नहीं, अपने बेटे को और अपने आप को ज़्यादा पसंद करती है। हाँ जस्ट लाइक दैट, या हाथी के दांत दिखाने के और खाने के। और ये मैं खुद कैसे कह सकती हूँ, ये तो दूसरे लोग ही बता पाएंगे। सबके साथ बहुत अच्छा है, पूरी कास्ट बहुत अच्छी, इवन टीम भी बहुत बहुत अच्छी है। सब लोग काम में मजे से रहते हैं, और जब काम नहीं होता तो खूब मस्ती करते सब। वो बहुत अच्छे हैं, और जब भी उन्हें लगता है कहीं मुझे बताना है तो बताते हैं, या मुझे कुछ उनसे वो करना होता है तो उनकी ट्यूनिंग मेरे साथ बहुत अच्छी है, तो हम आपस में डिस्कस करके कर लेते हैं। कभी भी ये नहीं लगा कि नहीं मैं उनके साथ काम कर रही हूँ तो मुझे डोमिनेट करें, ऐसा कभी नहीं लगा मुझे। आपको
वो तो आप देखिए और खुद ही जानिए। थोड़ा सा सस्पेंस होना चाहिए ना। कितना उन्हें परेशान करिए? जितना मुझसे हो सकेगा, जितना राइटर लिख पाएगा उतना मैं परेशान करूँगी। हाँ, आप हमारा शो देख रहे हैं, सबको बहुत, आप लोगों की, अगेन अगेन, हाँ हमारा शो आप लोग देख रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमारा शो देखते रहिए, हमें पसंद करते रहिए, बस यही चाहते हैं हम। वेलकम।